हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह जो है अपना 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, मात्र 12-15 मिनट का। उसके अंदर हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि कवर करते हैं। सबसे पहले तो गाइज सॉरी, कल का जो वीडियो था उसके अंदर आपको आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। एक्चुअली के अंदर जब मैं वीडियो बनाया था, जब मैंने मतलब तब उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, मेरे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, मतलब मुझे यहाँ पे आवाज भी नजर आ रही थी, सब कुछ आ रहा था। लेकिन पता नहीं जब वो वीडियो डला YouTube पे, उसके बाद में वो आवाज़ कहाँ चले गई, आई डोंट नो। ठीक है, तो आई एम सॉरी कि कल का वीडियो के अंदर आपकी आवाज़ आपको नहीं मिल पाई, पूरे क्लास विदाउट वीडियो विदाउट ऑडियो जो है आपको देखने को मिली। लेकिन मैंने PDF दे दी थी कमेंट के अंदर, तो उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन जो है आप वहाँ से मैनेज कर लोगे। साथ में जो मेरी PDF होती है क्लासेस की, वो करंट अफेयर बाय भुवनेश सर करके एक 63,000 का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लिया करो, वहाँ से आप आराम से हर क्लास के ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो आज दोस्तों 11th मई है, तो आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करेंगे। आज के क्लास, आज के जो न्यूज़पेपर में से कैसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे। साथ में अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है इंडिया के अंदर 30+ गवर्नमेंट जॉब में से, तो आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से कर सकते हैं। अनअकैडमी आप डाउनलोड करके, अनअकैडमी प्लस पे आपसे रेफरल कोड पूछता है, तो आपको लगाना होता है वहाँ पे BHU10 या फिर BHU10, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। समझ गए, आप अनअकैडमी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे फिर वो आपका कोई गेट का हो, IES का हो, कोई आपका IIT का हो, UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम का हो। साथ में गाइज आप लोगों के लिए जो है अभी SSC के अंदर फाउंडेशन बैच चल रहा है SSC में, जहाँ पे आप मैं आपको कंप्लीट GK है जो कि कवर करवा रहा हूँ। और बड़ी बात यह है कि ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाती है। 1 साल का लेने पे 2 मंथ का फ्री मिल रहा है। चलिए, साथ में 10 बजे स्टैटिक GK का क्लास है, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैटिक GK पढ़ रहे हैं अभी हम यहाँ पे। चलिए, पहला सवाल देखते हैं आज का, जो कि है ESIC को लेकर, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो इन्होंने क्या किया है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है दोस्तों, जो कि 2 नए हॉस्पिटल में सेटअप करें दिल्ली के NCR एरिया में। समझ गए, तो ये ESIC कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है ये आपको बताना है। देखो भाई, ESIC जो है वो आपके जो भी कर्मचारी होते हैं ना, है ना, उनके इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉयज के लिए, तो ये कर्मचारियों के लिए है, यानी कि कुल मिला के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ESIC जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। इन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जो कि 2 हॉस्पिटल के अंदर सेटअप करें, 440 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये जनरेट करेंगे। ठीक है गाइज, चलिए ESIC की बात करें, 1952 में इसका फॉर्मेशन हुआ, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बात करते हैं, ये देख सकते हैं इस तरीके से जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जो कि लगाते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन मई 2021 के अंत तक 3 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। थ्री ऑक्सीजन प्लांट बाय द एंड ऑफ मई 2021, मई के एंड में दोस्तों 2021 तक लद्दाख के अंदर बोला गया है कि 3 ऑक्सीजन प्लांट है जो कि लगाए जाएंगे, ताकि वहां की पॉपुलेशन जो है उनको हम लोग इजीली जो है वहां पे मैनेज कर सके और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आए। ऑलरेडी दोस्तों जब आप हायर एलिवेशन के ऊपर होते हैं तो नेचुरली भी ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि अगर किसी के भी कोई भी कोविड की सिचुएशन ऐसी आती है जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता बॉडी में, तो आप मेडिकल ऑक्सीजन के द्वारा उसकी हेल्प जो कि कर सके। ठीक है गाइज, चलिए, तो ले के अंदर दोस्तों ये बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ले का पार्ट है, नीचे वाला जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे वैली है, ये कारगिल है दोस्तों, ये द्रास है उसके पास में, ये आपका ले सिटी है। ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा, इसी जगह पे आपका पेंगोंग है, लेक है, ये इंडस रिवर है दोस्तों, मानसरोवर से आती है और इस तरीके से जो है वो चले जाती है। ठीक है, कराची में जाके मिल जाती है बाकी से। चलिए, आप देख सकते हैं कैपिटल लेह है, कारगिल 2 डिस्ट्रिक्ट है, राधा कृष्ण माथुर जी को अभी LG बना रखा है, और यहाँ पे नामग्याल जी अभी MP है यहाँ से, और जम्मू एंड कश्मीर का हाईकोर्ट है जो कि इसके लगता है। हाईएस्ट एलिवेशन यहाँ पे सल्टारो रिज है, ये आपके सियाचिन वाले पॉइंट पे, लोवेस्ट आपका इंडस रिवर हो गया, पॉपुलेशन दोस्तों आप देख सकते हैं 2.5 लाख के आसपास की है, डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि बहुत ही ज्यादा कोल्ड एरिया है। ठीक है गाइस, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, चलिए, पत्रकार वकील और उनके परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित में से किस राज्य में अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जाएगा, फ्रंटलाइन वर्कर दोस्तों माना गया है।
फ्रंटलाइन वर्कर, कौन से राज्य के अंदर? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर अनाउंसमेंट हुआ है कि जर्नलिस्ट, लॉयर और उनके फैमिली मेंबर को फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे दोस्तों रिसेंटली प्रायोरिटी दी जा रही है। हालांकि राजस्थान में भी दी गई है लॉयर को, जर्नलिस्ट को, लेकिन रिसेंटली जो है वो छत्तीसगढ़ का अनाउंसमेंट है जो कि आया है। समझ गए, पहले तो आपको मालूम है हेल्थ वर्कर थे, पुलिस वाले थे, अभी जर्नलिस्ट भी हैं, वकील भी हैं, उनके फैमिली मेंबर को भी कंसिडर किया गया है। अनुसुईया जी यहाँ पे गवर्नर है, भूपेश बघेल जी अब यहाँ पे सीएम है, रायपुर दोस्तों यहाँ पे कैपिटल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मैप है, सेंटर में आपको रायपुर जो है वो कैपिटल देखने को मिलेगी और 90+1 आपको यहाँ की विधानसभा की सीटें, लोकसभा 11, राज्यसभा की 5 सीटें यहाँ पे देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ के अंदर हाईकोर्ट भी है बिलासपुर के अंदर, और ठीक है यहाँ पे वाइल्ड वाटर बफेलो है जो कि स्टेट का मेंबर है। छत्तीसगढ़ यहाँ पे लैंग्वेज चलती है और फ्लावर यहाँ पे गिगेंटिया और रोबस्टा यहाँ पे ट्री देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, ये एक बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट टेम्पल्स भी बने हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने निम्नलिखित में से किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ओके, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है गाइस, तो ये कहाँ के? आसाम के दोस्तों 15वें चीफ मिनिस्टर है जो कि बने हैं और बीजेपी के लीडर है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्होंने काफी जो है पॉपुलैरिटी इनकी रही है और बोला जा रहा है कि आसाम के अंदर इलेक्शन हार ही गए थे लेकिन इनका यहाँ पे तो काफी बड़ा रोल था जिसकी वजह से इलेक्शन जीते हैं, तो उसी का रिजल्ट है जो कि इनको मिला है। जगदीश मुखर्जी को रिजाइन दिया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने और यहाँ पे नए मुख्यमंत्री है जो कि बनाए गए हैं। समझ गए मेरी बात, और कैपिटल यहाँ पे दिसपुर है जैसा कि आप सभी को मालूम है। ठीक है गाइज, ये पूरा का पूरा आसाम है। ओके, ये माजुली आइलैंड है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र के बीच में पड़ता है। ठीक है, और जोरहाट वोराट इसी एरिया में आपके काजरंगा देखने को मिलता है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है आसाम भी। भारतीय वायुसेना निम्नलिखित में से किस देश से 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को एयरलिफ्ट करती है? अभी रिसेंटली 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर है दोस्तों जो कि हम लोग मंगा रहे हैं, और ये कहां से मंगा रहे हैं? इंडोनेशिया से है दोस्तों जो कि हम लोग मंगा रहे हैं, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो NIA जो इंडियन एयरफोर्स के C-17 जो है उनके द्वारा 2 ऑक्सीजन जनरेटर है दोस्तों जो कि मंगाए जा रहे हैं। समझ गए मेरी बात, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट यहाँ पे विंडोलॉजी है, जकार्ता कैपिटल है, रुपया है जो कि करेंसी हमारा 1 रुपया इनके 200 रुपया के बराबर है। ठीक है गाइज, चलिए करेंसी बहुत डाउन है और ये हमारे विशाखापट्टनम के अंदर लेके आए जा रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप इंडोनेशिया दोस्तों 14,000 से भी ज्यादा आइलैंड है, दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड जो है इंडोनेशिया के पास से देखने को मिलता है। ओके, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये पूरा ये वाला बाली है। ओके, आयोंग नाम का यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, ये ऊपर जावा सी हो गई, इसके अलावा तो खैर ठीक है, ऊपर मलेशिया के है वो तो ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, और कोमोदो ड्रैगन यहाँ पे काफी देखने को मिलते हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल भी दोस्तों आपको यहीं पर ही देखने को मिलेगा। और इसके अलावा 1950 के अंदर ये UN का मेंबर बना, उससे पहले जापान ने सरेंडर किया था 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उसी टाइम पे दोस्तों इनको इंडिपेंडेंस है जो कि मिली थी। ओके, उससे पहले जापान ने दोस्तों डच ने यहाँ पे कॉलोनी है जो कि बना रखी थी। चलिए, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने हरिद्वार में चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए MPLAD निधि से कितनी राशि दान करी है? तो रमेश जी ने दोस्तों जो अपने MP का जो फंड है ना उससे राशि उससे पैसे दिए। ओके, COVID-19 के अंदर कितने 1.5 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट है दोस्तों जो कि करा गया है। आपको मालूम है दोस्तों MLA के जो फंड है वो विदाउट यूज जो है वो निकल जाता है टाइम, तो जितने भी MLA के पास में फंड बचे उनको कोविड में काम में लेना चाहिए अपने एरिया के अंदर। यार अभी नहीं लोगे तो कब लोगे? पहले बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसा होता है तो काम में लेते हैं, तो अच्छी बात है इन्होंने कम से कम 1.5 करोड़ रुपया जो है यहाँ पे निकाला। ठीक है गाइस, रमेश जी जो है वो पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी है, अभी हरिद्वार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से दोस्तों बिलोंग करते हैं, 5वें CM भी उत्तराखंड के पहले हुआ करते थे 2009 से 11 के बीच में। समझ गए, ललित राम जो 100 वर्ष की आयु में गुजर गए, प्रसिद्ध डैश थे, तो ललती राम है इनका नाम। ललती राम जी की बात करें तो बहुत ही दोस्तों 100 साल की उम्र के अंदर जो है इनकी डेथ हुई है और ये बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों हमारे देश के। ओके, इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर भी थे और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत बड़ा रोल है जो कि रहा है। 1941 के अंदर ये दोस्तों INA के अंदर शामिल है जो कि हुए थे। ठीक है गाइज, चलिए ठीक है, इनके बारे में बात कर रहे हैं। केंद्र ने COVID-19 महामारी को देखते हुए ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए डैश तक 25 राज्यों की अग्रिम राशि जारी करी है। बताइए कितनी राशि है दोस्तों जो कि जारी करी है।
8,923 करोड़ रुपीज है दोस्तों, जो कि जारी करे गए सेंटर के द्वारा 25 राज्यों को, ताकि रूरल बॉडीज को दोस्तों पैसा है जो कि मिल सके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। ओके गाइस, आपको मालूम है विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति, जिला परिषद, थ्री टीयर सिस्टम, बलवंत राय मेहता कमेटी, नागौर में सबसे पहली बार स्टार्ट हुई थी, तो उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो स्टेट से दोस्तों पैसा जो है वैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टेट का फाइनेंस कमीशन है, लेकिन अभी हालत खराब है तो सेंटर ने भी पैसा दिया है। रघुनाथ महापात्र जो कोविड-19 के कारण गुजर गए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पैदा हुए थे? तो रघुनाथ जी दोस्तों बहुत ही फेमस दोस्तों आर्टिस्ट थे, स्कल्पचर बनाया करते थे, उड़ीसा के थे और पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। गणेशी लाल यहाँ पे गवर्नर है, नवीन जी यहाँ पे सीएम है और भुवनेश्वर यहाँ पे कैपिटल है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, 1 अप्रैल 1936 को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 147 विधानसभा, 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा की सीटें हैं। उड़िया लैंग्वेज है दोस्तों और अशोका का फ्लावर है, महानदी, महसीर फिश, इंडियन रोलर बर्ड, सांबर यहाँ पे, मेम्बल एट्री यहाँ पे, सेक्रेट फिग है और बर्ड फूड यहाँ पे, रसगुल्ला दोस्तों बहुत ही फेमस है, जीआई टैग भी मिला हुआ है, उड़ीसी यहाँ पे डांस देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कोविड उपार्जन योजना की घोषणा करी है? ये दोस्तों किसके द्वारा जो है वो करी गई है, ये मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा है, जो कि लॉन्च करी गई है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। फ्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए। आनंदीबेन पटेल दोस्तों अभी यहाँ पे गवर्नर बनी हुई है, ये पूरा का पूरा एमपी है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर भी यहीं पर ही है। 1956 में फॉर्मेशन हुआ और 230 विधानसभा, 19 लोकसभा, 11 राज्यसभा की सीटें। इसके अलावा हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है गाइज। पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, 1,00,000 रुपये पर एनम पर ईयर पर पर्सन है और 12 सिंगा मेंबल है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ पे बर्ड है, फिश महसीर है, व्हाइट लिली फ्लावर, मैंगो फ्रूट है और ट्री यहाँ पे बैनियन ट्री है। ओके गाइज, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे नेशनल पार्क है, पन्ना बहुत फेमस है, ओके और इसके अलावा काना बहुत फेमस है, पंचमणी, पंचमती, ठीक है, संजय डुबरी हो गया, बहुत सारे मतलब बांधवगढ़ हो गया, बहुत सारे फेमस है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? जो रिसेंटली दोस्तों वहाँ पे स्टालिन जो है वो सीएम बने हैं, चीफ सेक्रेटरी जो बनाया गया उनका नाम है यहाँ पे इरा अनबू को दोस्तों बनाया गया है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है दोस्तों, ठीक है। राजीव रंजन जी को यहाँ पे इन्होंने रिप्लेसमेंट है जो कि किया है, कॉलमिस्ट, टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर भी दोस्तों ये रहे हैं। ओके गाइज, ठीक है, और ये देखिए इनका जो ट्रांसफर किया गया है, जो राजीव रंजन जी है इनको तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड के एमडी बना दिया गया है। बेचारे आईएएस की भी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जो काम करे उसके भी समस्या, जो नहीं करे उसके भी समस्या। मतलब अगर फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे काम किया है वहाँ पे, लेकिन आपने देखा होगा मतलब बहुत सारे आईएएस जो बहुत काम करते हैं, जैसे सरकार बदलती है मिनिस्टर लोग उनको ऐसा डिपार्टमेंट देते हैं, कोई लाइब्रेरी वाला, कोई न्यूज प्रिंट वाला, जहाँ पे कोई काम ही नहीं होता, उनका पूरा टैलेंट जो है वो वेस्ट हो जाता है मतलब एक तरीके से, ठीक है। और मतलब बहुत ही ऐसा बहुत सारे मिनिस्टर्स के अपने आईएएस के साथ में होता है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देख सकते हो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में स्टालिन जो है डीएमके की सरकार बनी है, 234 विधानसभा, लोकसभा 39, राज्यसभा 18 सीटें। ओके, और यहाँ पे अगर जीडीपी की बात करें तो 3.5 लाख रुपए के आसपास है। पाम ट्री स्टेट का ट्री है, जैक फ्रूट फ्रूट है, लिली यहाँ पे फ्लावर है। ओके चलिए ठीक है, मिनी ईप और बीसी पटनायक को निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एमडी बनाए गए हैं दोस्तों मिनी ईप और बीसी पटनायक, ये LIC के बनाए गए, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा LIC MR कुमार जो है चेयरपर्सन है, 1956 को फॉर्मेशन हुआ था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने डैश में 50 आइसोलेशन बेड क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। कोविड केयर सेंटर के बारे में आपको बताना है, ठीक है गाइस, कोविड केयर सेंटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 50 आइसोलेशन बेड कैपेसिटी का कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये मेरे ख्याल से शायद दिल्ली में अनाउंसमेंट किया गया है, नागपुर के अंदर, सॉरी, ठीक है, गडकरी साहब भी जो है वहीं से ही है, तो नागपुर के अंदर दोस्तों ये अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है, कोविड केयर सेंटर 50 आइसोलेशन बेड का साउथ नागपुर के अंदर। ओके गाइज, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपका रेफरल कोड है BHU10, आप किसी भी जगह पे किसी भी एग्जाम के लिए कभी भी यूज में ले सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। गुनेश 10 भी आप यूज कर सकते हैं, UPSC से लेकर 8th क्लास तक के किसी भी एग्जाम के लिए,
साथ में अगर आपको मुझसे जीके पढ़नी है तो आप एसएससी कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हैं। एक साल का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने का फ्री मिलेगा, कंप्लीट जीके जो कि आपको पढ़ने को मिलेगी। आज सुबह होंगे 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ में क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो अब तक 17 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक का प्रबंध करने वाला दुनिया का सबसे तेज देश है जो कि कौन सा बन गया है, ये आपको बताना है। तो ये था आज का आपका सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।